2015 में कांग्रेस की सीट जीरो, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट जीरो, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। कांग्रेस के विषय में जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। और इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सबूत पब्लिक डोमेन में जो आता है वो ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे नई उभरती हुई ग्रो करती हुई पार्टी से आइडियाज और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी है। मैं देख रहा था कि क्या कोई तरीका है कि हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को कॉपीराइट करा लें कि कोई और ना चुरा पाए। हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने पहली बार यह कहा कि भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं, हम जो बात इलेक्शन के अंदर अपना वादा करेंगे वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कह रहे हैं ये चीजें मैं पूरी करूंगा। और कांग्रेस इस शब्द गारंटी तक को चुरा चुकी है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को गारंटी कहा। जब आम आदमी पार्टी पहली बार ये बात लेके आई कि दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 400 यूनिट तक आधे दाम पे देंगे, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिल्ली में हमारा मजाक उड़ाया और विरोध किया। और ये बहुत गंभीर बात है कि कांग्रेस के पास आज अपने ऐसे लोग भी नहीं बचे जो जनता के साथ बात कर सकते हो, जनता के कांटेक्ट में रह सकते हो और जनता के लिए एक अपना ओरिजिनल मैनिफेस्टो बना सकें। ये हालत भी आज कांग्रेस के अंदर नहीं बची है। ये बेसिक क्वालिफिकेशन भी आज कांग्रेस के अंदर खत्म हो गई है और हर चीज को कॉपी करने की, कह सकते हैं CCC कॉपी कैट कांग्रेस, हर चीज को अरविंद केजरीवाल से जो है चुराते हैं। भाई अगर आपसे पार्टी नहीं चल रही, आपसे के पास आइडिया नहीं है, आपके पास मैनिफेस्टो अपना ओरिजिनल नहीं है, आप सब चीज़ जो है अरविंद केजरीवाल से चुराते हैं। कि क्या देश के लोगों को वेलफेयर स्कीम्स देना मुफ्त की रेवड़ी है या बड़े बड़े अरबपति उद्योगपतियों को उनकी ऋण माफी कर देना मुफ्त की रेवड़ी है? ये फैसला तो देश की जनता को करना है। जितने पैसे के अंदर करोड़ों लोगों की मुफ्त बिजली आ सकती है, मुफ्त बस के अंदर यात्रा आ सकती है, मुफ्त पानी आ सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती रखने वाले, प्रधानमंत्री जी से दोस्ती रखने वाले उद्योगपतियों का माफ किया है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, हम तो ये बात, एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट जीरो, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट जीरो, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए।